अलसी के इस्तेमाल से जिस्म में गर्मी को कम करना और निज़ाम तनफ्फुस की बीमारियों का इलाज। पाकिस्तान समेत दुनिया के बेशतर ममालिक मसलन रूस, पोलैंड, कनाडा, अमेरिका और अर्जेंटाइन में अलसी की वसी पैमाने पर काश्त की जाती है। इसको सनती फसल के तौर पर काश्त किया जाता है क्योंकि इसके बीजों को मुख्तलिफ मकासद के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अलसी का पौधा 30 सेंटीमीटर से 60 सेंटीमीटर का साइज़ होता है। इसके तने पतले और पत्ते नोकदार होते हैं। फूलों का रंग हल्का नीला या सफ़ेद होता है। बीज आम तौर पर भूरे लाल रंग के होते हैं। इसके बीज को शफाफ और तेल को मुख्तलिफ बीमारियों के इलाज के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अलसी का तेल निज़ाम तनफ्फुस की बीमारियों के इलाज के लिए बनाई जाने वाली सलाइन एलेक्चरी में भी इस्तेमाल किया जाता है। अलसी का तेल घोड़ों में पेट दर्द के इलाज के लिए तारपीन के तेल के साथ मिलाकर इस्तेमाल किया जाता है। अलसी का पॉल्टस बनाकर फोड़े के इलाज के लिए इस्तेमाल किया जाता है और अलसी का इस्तेमाल निज़ाम हज़म और निज़ाम तनफ्फुस की बीमारियों में भी किया जाता है। अगर अलसी को जानवरों में रोज़ाना इस्तेमाल किया जाए तो जानवर गर्मी कम मनाते हैं। अलसी के पौधे की छाल से कुछ ममालिक में कपड़ा बनाया जाता है। इस कपड़े को गर्मियों में इस्तेमाल किया जाता है तो गर्मी का एहसास कम होता है, पसीना कम आता है। इस कपड़े को अगर जलाकर इसकी राख को रिश्ते हुए जख्मों पर इस्तेमाल किया जाए तो खून के बहाव को रोक देती हैं। इसके बीजों का तेल पेशाब आवर होता है और गुर्दे और मसाने में मौजूद पत्थरियों को बाहर निकालने में मदद करता है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें।